सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए जाने वाले अयोध्या मामले पर फैसले के चलते खरगोन पुलिस और सामाजिक संस्थानों द्वारा आज शहर के श्रीकृष्णा की चौराहे पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। सामाजिक संगठन और पुलिस द्वारा शपथ भी दिलाई जा रही है कि हम आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर शांति बनाए रखेंगे और कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। पुलिस अधीक्षक ने अपील करते हुए बताया कि शहर और जिले में अमन शांति और सौहार्द कायम रखने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। मुद्दे को लेकर अभी माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय निकट भविष्य में आने वाला है, उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे शहर के जो सामाजिक संगठन हैं, जैसे रोटरी क्लब, लायंस क्लब, दूसरे जो सामाजिक संगठन और अन्य तरह के जो संगठन हैं जो समाज के प्रति जागरूक हैं और यहाँ की शांति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, उनके सहयोग से पुलिस प्रशासन द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें यहाँ के शहर के देहात के सारे नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और हम ये शपथ ले रहे हैं सबके साथ कि हमको भारत के संविधान, भारत के कानून न्याय व्यवस्था में पूर्ण विश्वास है। माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा उसको हम स्वीकार करेंगे और किसी भी तरह का कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ नहीं बनने देंगे और हम सब ये जिम्मेवारी ले रहे हैं कि हम ही शांति व्यवस्था स्थापित करने में सबसे आगे रहेंगे, पुलिस का सबका सहयोग करेंगे। मेरे लिए बेहद खुशी की बात है, इसमें लायंस क्लब, रोटरी क्लब, इनके संक्रांत जो सदस्य अध्यक्ष हैं और जो भी दूसरे समाज के लोग हैं वो हमें आके बता रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि अगर मेरे लिए कोई रोल, कोई भूमिका कानून व्यवस्था बनाए रखने में है तो आप बिल्कुल मुझे बताइए, हम शहर स्वीकार करेंगे। आज आप लोग जैसा देख रहे हैं शहर के इस व्यस्ततम चौराहे पर इनके द्वारा ये कैंप लगाया गया है और आने जाने वाले जो भी लोग हैं यहाँ पर उनके द्वारा ये हस्ताक्षर कराया जा रहा है, जिसमें इनके द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने की शपथ ली जा रही है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हम कोशिश करेंगे कि हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।